दिवाली, तू कल फिर आना नहीं फिर जाना। वो इतनी खूबसूरत थी कि लोग चाह कर भी उनके चेहरे से नजर नहीं हटा पाते थे। मासूमियत ऐसी कि जिसे देखकर चांद भी शर्मा जाए। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री ने मौका भी दिया और वो अपने दौर के हर बड़े स्टार के साथ पर्दे पर दिखी भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन ज्यादातर फिल्मों में उन्हें लीड रोल में आने के मौके बहुत ही कम मिले। वो हर बार हीरो की बहन के किरदार में उतरती थी और वो फिल्मों की रेजिडेंट सिस्टर तक के नाम से मशहूर हो गई थी। क्या आप सोच सकते हैं कि इस एक्ट्रेस पर बॉलीवुड में सबसे ज्यादा रेप सीन फिल्माए जाने का रिकॉर्ड है और उन्हें रेप की रानी के नाम से पुकारा जाता था। क्या आप यकीन करेंगे कि इस अभिनेत्री ने यंग एज में ही फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया और इनकी मौत की खबरें मीडिया की सुर्खियां बन गईं, जबकि वो आज भी जिंदा हैं। जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन। एक ऐसी अदाकारा जिनके ऊपर हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा बार रेप सीन फिल्माए जाने का रिकॉर्ड है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस एक्ट्रेस ने हिंदी फिल्मों को अलविदा कह दिया और फिल्मों से तौबा कर ली। आज ये किस हाल में है और कहाँ है, बताएंगे आज के अपने शो में ये तमाम बातें। टोला उल पटका भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। मासूम चेहरे वाली हसीन अदाकारा नाजिमा, वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही स्टाइलिश भी थी। उनका असली नाम था मेहरुन्निसा और उनका जन्म 25 मार्च 1948 को नासिक में हुआ था। 1930 के दशक की अभिनेत्री शरीफा बाई उनकी दादी थीं और 1940 के दशक में उनकी चाची हुस्न बानो ने भी बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरा था। तब के बॉम्बे में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई और फिल्मी पृष्ठभूमि से होने के कारण उन्हें जल्द ही फिल्मों में बेबी चांद के नाम से एक बाल कलाकार के रूप में मौका मिल गया। हाँ भैया, मैं भी तुम्हारे साथ बन चलूंगी, मुझ पर भी भाभी खाने के लिए बड़ा जुन्म करती है। एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी बिराज बहू, जो बिमल रॉय निर्देशित एक अवार्ड विनिंग फिल्म थी और ये 1954 में रिलीज हुई थी। जानते नहीं भैया, 3 दिन से भाभी ने कुछ भी नहीं खाया पिया। आज सुबह सुबह स्नान करके पंचानन बाबा की यहाँ पूजा चढ़ाकर तब भाभी खाएगी। इसके बाद देवदास और हम पंछी एक डाल के जैसी फिल्मों में बतौर बाल कलाकार बेबी चांद ने शानदार अभिनय किया। ये कौन है? मैं रतन। रतन वतन मैं कुछ नहीं जानती, मेरे पास इतना कुछ वो नहीं कि सबका पेट भरती रहूं। कमाते आठाने और खाते बाराने, दर्जन भर तो पहले थे। इसके बाद 1961 में नाजिमा की फिल्म आई उमर कैद और 1965 में फिल्म आई निशान, जिसमें वो लीड रोल में नजर आईं। और इसमें उनके अपोजिट थे जाने माने अभिनेता संजीव कुमार। ये संजीव कुमार की डेब्यू फिल्म थी और इसमें इन दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। बड़ी बड़ी, मैं क्या जानूं। 1965 में ही राजेंद्र कुमार के साथ उनकी एक और फिल्म आई आरजू, जिसमें उनकी अदाकारी की खूब तारीफ हुई। लेकिन इसके बाद से उन्हें हीरो की बहन या हीरोइन की दोस्त के रोल ज्यादा ऑफर होने लगे। इसके बाद नाजिमा ने दिल लगी, जिद्दी, अप्रैल फूल, आए दिन बहार के, औरत और वही लड़की, अनजाना जैसी कई फिल्मों में काम किया।
हर देश जाने से पहले तो आप मुझे अपनी आंखों पर बिठाते थे, कहा करते थे कि हम दोनों का जन्म एक दूसरे के लिए हुआ है। लेकिन इनमें से ज्यादातर फिल्मों में नाजिमा ने या तो सपोर्टिंग रोल किए या फिर बहन के ही किरदार मिले, जिससे वो परेशान होने लगी। पूछो तो नाम भी अपना बता नहीं सकते। हिंदी सिनेमा जगत में कई ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने शानदार एक्टिंग की और उनकी अदाकारी की काफी तारीफें भी हुई, लेकिन उन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसके वो हकदार थे। इन्हीं में से एक नाम रहा नाजिमा का, जिन्होंने कई शानदार फिल्मों में बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया और बहुत ही शानदार एक्टिंग की, जो कि आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें लगातार उस दौर में बहन के ही किरदार ऑफर किए जाते रहे, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगे। नाजिमा एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपने दौर में न सिर्फ फिल्मी पर्दे पर राज किया, बल्कि लोगों को भी अपनी बेहतरीन एक्टिंग से खूब लुभाया। लेकिन अपने अभिनय का जलवा बिखेरने के बावजूद उन्हें वो मुकाम नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थी। मेरे प्यार को वो ढकोसला, मेरी पूजा को वो बनावट और मेरी तपस्या को वो दिखावा समझते लगा। दमदार अभिनय और खूबसूरती का जादू बिखेरने के बावजूद भी बात बन नहीं रही थी। देखिए मिस्टर, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है ना, तो शराफत से रास्ता ना पिए समझे, वरना मुझे पुलिस की मदद लेनी होगी। चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा देती हूं। बात करें 70 और 80 के दशक की, तो उस समय बॉलीवुड में ज्यादातर फिल्में समाज और औरतों के साथ उत्पीड़न और सेक्सुअल हरासमेंट जैसे मुद्दों पर बनाई जाती थीं। इस दौर के फिल्मों में असल जिंदगी में महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय को पर्दे पर उतारा जाता था। इस दौर की फिल्मों की कहानी में विलन हीरो की बहन का रेप कर देता था और फिर हीरो इसका बदला लेता था, और फिर पूरी फिल्म इस एक ही रेप सीन के प्लॉट पर आगे बढ़ा करती थी। और ये सीन ज्यादातर नाजिमा के ही हिस्से आने लगे, क्योंकि उस दौर में वो ही सबसे ज्यादा फिल्मों में हीरो की बहन का किरदार निभा रही थी। छोटी बहना जो उनकी माता, भैया तुझे दुआ दे। आपने इन फिल्मों में कई बार ये रेप सीन देखे होंगे और इस बेचारी लड़की पर तरस खाया होगा, लेकिन कम लोग ही ये जानते हैं कि ये कौन सी एक्ट्रेस थी जिन्होंने पर्दे पर सबसे ज्यादा बार इस तरह के सीन को शूट किया था। हालांकि नाजिमा ने भी इस रोल को बखूबी निभाकर न सिर्फ औरतों के साथ हो रहे अत्याचार से लोगों को रूबरू करवाया, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान भी बनाई, लेकिन वो अपनी इस पहचान से खुश नहीं थी। वहीं जानकार ये भी बताते हैं कि नाजिमा के नाम पर यह रिकॉर्ड भी दर्ज है कि इनके ऊपर ही हिंदी फिल्मों के सबसे ज्यादा रेप सीन्स शूट किए गए हैं। इनका चेहरा इतना मासूम और खूबसूरत था कि उस दौर के डायरेक्टर ज्यादातर इन्हें हीरो की बहन के रोल के लिए अपनी फिल्मों में लेते थे, और इसी तरह ये अनचाहा रिकॉर्ड भी नाजिमा के नाम हो गया। हालांकि कुछ जानकार बताते हैं कि नाजिमा ने उस दौर में अपने लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना भी शुरू कर दिया था, जिस वजह से उन्हें लीड एक्ट्रेस का रोल भी ऑफर होने लगा था।
लेकिन उनके खिलाफ उस दौर में कुछ ऐसी साजिशें भी होने लगी थी जिस वजह से उनको वो लीड रोल नहीं मिल पाए। हालांकि कई नाम इसके पीछे आते हैं कि कौन सी वो एक्ट्रेसेस थीं जिन्होंने इस तरह से उनको पीछे धकेलने की कोशिश की या उनके खिलाफ साजिश रची या उनसे वो बहुत ज्यादा खौफ खाने लगी थी कि शायद कल को उनके रोल इस लड़की को ऑफर होने लगे। यहाँ से चली जाओ। कहाँ चली जाओ? इस बड़ी दुनिया में तो मेरा कोई भी नहीं है। कहीं भी चली जाओ, लेकिन मेरे नसीब से मत खेलो। मात्र 22 साल की उम्र में ही नाजिमा उस दौर की एक ऐसी एक्ट्रेस बन गई जिनके आगे फिल्म के लीड हीरोइनें भी फीकी पड़ने लगी थी। कहा जाता है कि उस वक्त कुछ हीरोइनों को उनकी लोकप्रियता से जलन भी होने लगी थी। खैर, वजह चाहे जो रही हो, पर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स नाजिमा को एक के बाद एक ऐसी ही फिल्में देते रहे जिसमें वो हीरो की एक आदर्शवादी बहन के रूप में नजर आती रही। जैसे बदरी और पवन का, जैसे धरती और गगन का। और नतीजा ये हुआ कि नाजिमा को बॉलीवुड की रेजिडेंट सिस्टर और बॉलीवुड की बहन कहा जाने लगा। नाजिमा ने उस दौर के हर बड़े स्टार के साथ काम किया, लेकिन इसका फायदा कहीं से भी उनके करियर को नहीं हो रहा था। '65 में आई फिल्म आरजू के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा था। इस फिल्म को रामानंद सागर ने बनाया था। फिल्म में लीड रोल में राजेंद्र कुमार के साथ साधना थी। उनकी शानदार अदाकारी के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेशन मिला और साथ ही कुछ और भी जाने माने अवार्ड्स मिलने लगे थे। वो अपने काम से खुश तो थी, लेकिन अपनी पहचान से खुश नहीं थी। उनको हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर काम तो दे रहा था, उनके पास रोल्स भी आने लगे थे, लेकिन जो रोल उन्हें चाहिए था वो मुकाम उन्हें नहीं मिल रहा था, वो रोल उन्हें नसीब नहीं हो रहा था। और शायद यही वजह है कि फिर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे कि वो हमेशा हमेशा के लिए फिल्मी दुनिया को अलविदा कहें। नाजिमा ने उस समय के ही एक इंटरव्यू में बताया था कि जो भी रोल उन्हें मिल रहे थे वो उन्हें इसलिए कर रही थी कि कहीं वो बेरोजगार ना हो जाएं। कहीं फिल्म इंडस्ट्री उन्हें भूल न जाए। नाजिमा का ये दर्द 1968 में सिने प्लॉट को दिए एक इंटरव्यू में छलका था जो उन्होंने सालों पहले दिया था। नाजिमा ने कहा था, जब आपकी कोई नौकरी होती है तो कम से कम आप फील्ड में बने रहते हैं और तब इस बात के आसार भी रहते हैं कि आपको अपना हुनर दिखाने का मौका भी मिलेगा। अभी तो सक्सेस सिर्फ एक भ्रांति यानी डाउट ही लगती है, लेकिन एक ना एक दिन मैं जरूर सफल होऊंगी। नाजिमा ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 30 फिल्मों में काम किया, मगर अफसोस कि वो कभी लीड रोल नहीं निभा पाईं। खुद को लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखने का ख्वाब संजोने वाली नाजिमा ने आखिरकार हार मान ली और 27 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। नाजिमा का इंतजार ही रह गया और उन्होंने साल 1975 में फिल्मों से तौबा कर खुद को पब्लिक लाइफ से भी दूर कर लिया। हम बहनों के लिए मेरे भैया। नाजिमा की आखिरी फिल्म रंगा खुश थी जो 1975 में रिलीज हुई। इसके अलावा इसी साल उनकी सन्यासी और दयारे मदीना जैसी फिल्में भी आई थीं। यही तो हमारा इम्तिहान है अब्बा, पैगंबरों पर भी बुरा वक्त आया है। अगर सारी दुनिया जालिमों के साथ है
तो कुरान का हुक्म है कि मजलूमों के साथ अल्लाह की जात है। हालांकि उन्होंने अपने साथ हो रही नाइंसाफी और बहन बनाए जाने और अपने ऊपर रेप सीन्स फिल्माए जाने से मोनोटोनस रोल्स की वजह से फिल्मी दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन कुछ साल बाद ये अफवाह उड़ी कि कैंसर की वजह से नाजिमा की मौत हो गई है। यहाँ तक कि बड़े बड़े न्यूज चैनल, अखबारों और हाल फिलहाल की कुछ न्यूज वेबसाइट्स पर भी आपको यही खबरें पढ़ने को मिलेंगी। बड़ी बात ये कि ये सभी न्यूज वेबसाइट और अखबार जांच पड़ताल किए बिना ही इस अफवाह को छापते रहे और विकिपीडिया पर तो अब भी नाजिमा की डेथ 1975 में ही लिखी हुई है। नाजिमा पब्लिक लाइफ से इस कदर कट चुकी थी कि उन्होंने कभी मीडिया में आकर इसका खंडन तक नहीं किया, लेकिन इस अफवाह का तब पर्दाफाश हुआ जब नाजिमा के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस तबस्सुम जी ने साल 2019 में अपने यूट्यूब कार्यक्रम में सच बताया। तबस्सुम जी ने जानकारी दी कि नाजिमा अपने परिवार और नाती पोतों के साथ आराम की जिंदगी जी रही हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। तबस्सुम जी ने अपने शो में नाजिमा के बारे में ये भी जानकारी दी थी कि अब उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो गई है। उन्होंने नेवी कैप्टन अर्शुल रहमान से शादी की थी, उनके दो बेटे हैं और दोनों शादीशुदा हैं। साल 2018 में उनके शौहर का इंतकाल हो गया था और तब से नाजिमा अपना ज्यादातर वक्त इबादत में गुजारती हैं। खैर, कह सकते हैं कि नाजिमा ने अपने चंद सालों के करियर में ही उस दौर के बड़े से बड़े निर्माता, निर्देशकों और एक्टर्स के साथ काम किया। भले ही लोगों ने उन्हें लीड हीरोइन लायक नहीं समझा और वो जो डिजर्व करती थी उससे दूर रखा, पर फिर भी उनके निभाए गए किरदार आज भी हमें उनकी काबिलियत की याद दिलाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये शो, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप मेरी तरह घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रेवल व्लॉग की सैर करना मत भूलिएगा। वहां आपको अलग अलग जगहों, मोनूमेंट्स, रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले शो में कुछ और नई कहानी के साथ, कुछ और अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।